मिट्टी भी कहते सोइल को, मृदा मृदा कहते हैं। मृदा क्या किसे कहते हैं, सोइल किसे कहते हैं? सोइल एक नेचुरल रिसोर्स है, हमने पढ़ा है। क्यों सोइल और लैंड में कोई अंतर होगा? जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जो मिट्टी जो है, जो एग्रीकल्चर, हाँ वो उसको हम सोइल मोटे मोटे तौर पे कहते हैं। और जो किसी भी जो अपने जो लैंड है उसके जो अपर 15% है, 15 इंच की जो लेयर है वो ही हमारे लिए मोटे मोटे तौर पे किसान के काम की चीज है। उसमें क्या है, उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी उसमें खूब होती है, उसकी फिजिकल भी है, उसका केमिकल भी है। हमारे लिए ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। तो जब हम नमूना लेते हैं मिट्टी का, तो हम इसलिए हम ऊपर जो 15 सेंटीमीटर है उसी का नमूना लेते हैं। और किसान का हक अपने खेत में, किसान का हक सिर्फ 15 ऊपर की जो 15 सेंटीमीटर सोइल है उसी पर ही उसका हक है। उसके नीचे जो जो भी है वो किसान का हक नहीं है उस मिट्टी पे। आपके खेत में कोई मिनरल, कल कोई मिनरल एक फीट पे यूरेनियम थोरियम कहीं निकल आया, कहीं आयरन कोल, आपका जमीन सरकार ले लेगी, सरकार ले लेगी। वैसे भी लीज पर है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहां पर भेज 15 सेंटीमीटर की ऊपर की मिट्टी है वही हमारी, अब नीचे उसकी हमारी नहीं है। तो अभी अपना एक अंदर एक मॉडल रखा हुआ है उसको देखते हैं, उसके बाहर फिर अपने मिट्टी को देखते हैं।